हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि Realme C61 फ़ोन में आप लोग डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक Realme C61 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपका जो डिस्प्ले का कलर है गाइस वो ख़राब हो चुका है, कुछ नेगेटिव टाइप का कलर आ रहा है आपके फ़ोन में गाइस, किसी भी ऐप्स को ओपन करते हो तो ऐप्स में भी पूरा नेगेटिव कलर हो चुका है, फ़ोटोज़ वगैरह भी नेगेटिव आ रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह भी नेगेटिव आ रहे हैं, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में जो है डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का, तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस कलर इन्वर्सन का, तो इस कलर इन्वर्सन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है यूज़ कलर इन्वर्सन का, अगर ये ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपका जो डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो जाएगा और फोटोज़ वगैरह मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होंगे गाइस उसमें जो आपको कुछ जो है नेगेटिव कलर टाइप का देखने को मिलेगा गाइस, तो अगर ये ऑन होगा तो आपके फ़ोन में डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन को बंद कर देना है। इसको बंद करते ही आपका डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका डिस्प्ले जो वो ख़राब हो चुका है, तो आप लोग जो है मैकेनिक के पास जा सकते हो और अपने जो स्क्रीन को जो है चेंज करवा सकते हो, लेकिन पहले इस सेटिंग को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने रियल मी C61 फ़ोन में आप लोग डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।